तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी के बाद कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया के सारे मंदिर से गवर्नमेंट कंट्रोल हटाने की डिमांड की है। जहां विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए एक नेशन वाइड कैंपेन अनाउंस किया है, तो वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षणा बोर्ड सेटअप करने की मांग की है टू लुक इनटू ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू इंडियन टेम्पल्स। तो आखिर इंडिया के हिंदू टेम्पल्स गवर्नमेंट कंट्रोल में कैसे आ गए, कैसे ये सारे टेम्पल्स रन करते हैं और इस इशू का लीगल स्टेटस क्या है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। इंडिया में मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस अपने वर्शिप प्लेसेस यानी चर्चेस एंड मॉस्क को ट्रस्ट या बोर्ड्स के थ्रू मैनेज करते हैं, जो कि इन्हीं कम्युनिटी के मेंबर्स चलाते हैं। इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता, बट इन केस ऑफ हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इन सब के फंक्शनिंग में गवर्नमेंट का कंसिडरेबल कंट्रोल होता है। तमिलनाडु के टेम्पल्स को वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट कंट्रोल करती है। वहीं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जो कि तिरुपति टेम्पल को रन करती है, उसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान, इन सब ने लॉ बना रखा है टू गिव गवर्नमेंट द पावर टू एडमिनिस्टर टेम्पल्स, देयर इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स। स्टेट गवर्नमेंट इन टेम्पल्स में ऑफर हुए डोनेशन के पैसे को यूज करती है फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज जैसे रनिंग हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेज एंड स्कूल एंड कॉलेजेस। सवाल है कि आखिर स्टेट को ये पावर कहां से मिलता है टू ब्रिंग टेम्पल्स अंडर इट्स कंट्रोल? इसका जवाब है आर्टिकल 25(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है टू मेक लॉज रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस एंड प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज। पुराने जमाने में राजा महाराजा मंदिरों को जमीन और जेवर डोनेट करते थे और बड़े मंदिर इन डोनेशंस को एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के काम के लिए यूज करते थे। मिडिवल पीरियड में इन्वेडर्स इन मंदिरों पर इनके वेल्थ के लिए हमला करते थे। बाद में ब्रिटिशर्स ने भी इन टेम्पल्स को कंट्रोल करना चाहा। 1810 से लेकर 1870 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई लॉज इनैक्ट किए, जिससे ब्रिटिशर्स को टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिल गया। हालांकि ऑब्जेक्टिव साफ था कि इन मंदिरों के वेल्थ पर कब्जा करना। 1863 में ब्रिटिशर्स रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट लेकर आए और कुछ कमिटी बनाकर टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल इन कमिटी को दिया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के बावजूद कंसिडरेबल कंट्रोल अपने पास ही रखा। 1925 में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट आया, जिससे मंदिरों का कंट्रोल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चला गया। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद यही एक्ट सारे स्टेट के लिए ब्लूप्रिंट बन गया टू इनएक्ट देयर ओन लॉज टू कंट्रोल द टेम्पल्स। आजादी के बाद सबसे पहले मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट पास हुआ और उसके बाद बाकी स्टेट्स ने भी सिमिलर लॉ पास करके मंदिरों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ऐसा आर्गुमेंट दिया जाता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल मंदिरों पर इसलिए जरूरी है सो दैट हर कास्ट के लोग मंदिरों में जा सके। बट आज भी मंदिरों में एंट्री के लिए कितना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सबको पता है। 1959 में पहली बार आरएसएस ने एक रिजोल्यूशन पास किया था टू फ्री द टेम्पल्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो कि आरएसएस का डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसने यूपी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था टू गिव कंट्रोल ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल टू हिंदूज। 1988 में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल ने हर स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड किया था कि सारे स्टेट्स के टेम्पल का कंट्रोल हिंदू डिवोटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया जाए। इनका कहना था कि मंदिरों पर गवर्नमेंट कंट्रोल अनफेयर, अनजस्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी है और आरोप लगाया था कि स्टेट गवर्नमेंट की नजर सिर्फ मंदिरों के फंड्स पर रहती है। वीएचपी भी इस इशू को समय समय पर रेज करती आई है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने भी आरएसएस के डिमांड को दोहराया है। फॉर्मर बीजेपी एमपी सत्यपाल सिंह ने 2017 एंड 2019 में पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल भी इंट्रोड्यूस किया था टू फ्री टेम्पल्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। इंडियन कोर्ट्स मोस्टली इस इशू पर रिलेक्टेंट रही है इंटरफेयर करने में। अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट का यही स्टैंड रहा है कि स्टेट हैज अ जनरल राइट टू रेगुलेट द राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और एंडोमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को भी रिजेक्ट किया है कि लॉ मस्ट यूनिफॉर्मली अप्लाई टू ऑल रिलीजियंस। 2022 में लॉयर अश्विनी उपाध्याय ने एक रिट पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में टू फ्री टेम्पल्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है दैट केटर्स टू द लार्जर नीड ऑफ सोसाइटी एंड रिवर्सिंग दिस वुड टर्न द क्लॉक बैक। इसके बाद उपाध्याय ने अपना पिटीशन विथड्रॉ कर लिया था। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel, Leader Today, and ask them.